बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम सुल। हमारी आज की बात CSS के सब्जेक्ट्स पर है। इससे पहले हमने बात की थी CSS क्या है। CSS मुकाबले का एक इम्तहान होता है जिसमें 17 स्केल से ऑनवर्ड एक डायरेक्ट ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं। CSS के लिए जो क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती है वो ग्रेजुएशन ज़रूरी होती है, 14 साल तालीम। लेकिन इन दिस डेज आप BCom, BSc, BBA और या BS ऑनर जितने प्रोग्राम भी है आप उनके बाद CSS में अपीयर हो सकते हैं। और CSS के लिए जो एज होती है वो 21 साल से लेके 30 साल तक आप CSS में अपीयर हो सकते हैं। 3 अटेम्प्टेशन ले सकते हैं। और उसके साथ हमने बात की थी कि CSS का जो दीगर डिटेल है उसके बारे में कि जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उसके लिए 2 साल की रिलैक्सेशन होती है। तो आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे CSS के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इसमें इलेक्टिव कौन कौन से हैं और इसमें लाजमी जो उनसे सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स उस पर हम बात करते हैं। अब सबसे पहले देखिए, हमारे ये रिटर्न एग्ज़ाम होता है 1200 नंबर का, उसमें ये जो सब्जेक्ट हैं उसके बारे में सबसे पहले है लाजमी सब्जेक्ट, ये 600 मार्क्स के आते हैं। अब इसमें कौन कौन से, ये आपका जो सीरियल नंबर, ये कोड नंबर दिया गया सब्जेक्ट के, ये कोड हैं, ये सब्जेक्ट्स और उसके बाद मार्क्स ये कितने नंबर का, ये लाजमी सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स ने देखा जाए सबसे पहले नंबर 1 पे इंग्लिश एस से 100 नंबर का आता है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे है इंग्लिश ग्रामर जो है इसमें प्रेसी और कंपोजिशन है, ये 100 नंबर इसका। उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी 100 मार्क्स, करंट अफेयर्स 100 मार्क्स और उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स 100 मार्क्स, इस्लामिक स्टडी 100 मार्क्स। मीन्स ये लाजमी पोर्शन है, ये चाहे आपने BS किसी भी सब्जेक्ट में किया या ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में की है, आपने आर्ट्स में की है, आपने साइंस में की है, आपने कंप्यूटर साइंस में की है या आपने कॉमर्स में की है, तो ये 6 सब्जेक्ट तो लाजमी सब के लिए हैं, ठीक है। और ये इस्लामिक स्टडी की जगह पे जो गैर मुस्लिम है वो उसके रिलेटेड कोई सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट ये सेम है। ये 600 नंबर का हमारा पेपर यहाँ से हो गया। और इस 600 नंबर में से 40% मार्क्स लेना रिटर्न में ज़रूरी है, 40% इसमें लेना ज़रूरी है। और जो इलेक्टिव है 33% इनमें लेना ज़रूरी है पर सब्जेक्ट। और ओवरऑल इन दोनों की अगर परसेंटेज को मिलाएं तो आपके 1200 में से 600 नंबर होना ज़रूरी है, देन आपका जो रिटर्न है वो पास होगा। अगर आपका रिटर्न पास हो गया तो देन उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होती तो आपका चांस ज़ाया नहीं होगा। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, बट इसके ऑप्शनल सब्जेक्ट में देखा जाए इसके 7 ग्रुप्स हैं। 7 ग्रुप्स में से हमने 600 नंबर के कोई मतलब के पेपर चूज़ करने होते हैं। अब बाज़ 200 नंबर का पेपर है, बाज़ 100 नंबर का पेपर है, हमने 7 ग्रुप्स में से कोई से 600 नंबर का पेपर चूज़ करना है, 600 नंबर के सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। और आप जिस किसी सब्जेक्ट से मर्जी आपका ताल्लुक है या जौन सी डिग्री मर्जी आपने हासिल की है, आपने चाहे BS प्रोग्राम जो साइंसेज हैं उसमें गए हैं या इलेक्ट्रिकल के प्रोग्राम है उसमें गए हैं या आप कॉमर्स के प्रोग्राम में गए हैं या आप कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में गए हैं, चाहे आप जो आर्ट्स या लैंग्वेजेस उसके प्रोग्राम में गए हैं, तो देन किसी भी तो आपके रिलेटेड इनमें सब्जेक्ट ज़रूर होगा। तो आप वो अपनी जो अपना फील्ड है उसके रिलेटेड सब्जेक्ट आप चूज़ करके आप CSS में अपीयर हो सकते हैं। अब इसमें देखिए ग्रुप नंबर 1 है, अब इसमें टू सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट 200 मार्क्स, इसमें से हमने 1 सब्जेक्ट चूज़ करना है 200 नंबर का। अब इसमें देखिए सबसे पहले है अकाउंटिंग एंड एडिटिंग 200 नंबर, इकोनॉमिक्स इसका भी 200 नंबर और कंप्यूटर साइंस इसका भी 200 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स और इंटरनेशनल रिलेशन 200 मार्क्स, ये हमारा ग्रुप 1 है। और ग्रुप 2 पे देखें, ग्रुप 2 में यूँ है कि टू सेलेक्ट सब्जेक्ट 200 मार्क्स, इसमें भी सब्जेक्ट आपने 200 मार्क्स के चूज़ करने, चाहे 100-100 नंबर में से कोई 2 चूज़ कर लें, चाहे 200 नंबर में से कोई 1 चूज़ कर लें। इसमें देखिए फिज़िक्स इसका 200 मार्क्स है, केमिस्ट्री इसका भी 200 मार्क्स, अप्लाइड मैथ इसका 100 और प्योर मैथ इसका 100 और स्टैटिक्स इसका 100 और जियोलॉजी इसका भी 100। ये हमारा ग्रुप नंबर 2 था कि इसमें से हमारे ये पहले 2 सब्जेक्ट जो 200 मार्क्स के हैं उसके बाकी 4 सब्जेक्ट्स हैं वो 100 मार्क्स के, इसमें से आपने 200 नंबर का पेपर चूज़ करना है। उसके बाद आ जाता है हमारा ग्रुप नंबर 3, इसमें टू सेलेक्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स, इसमें 1 सब्जेक्ट चूज़ करना है और भी वो भी 100 मार्क्स का। कोड नंबर 22 है जिसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका 100 मार्क्स,
ठीक है, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 100 और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज 100 और उसके बाद टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट इसका भी 100 और देन उसके बाद हमारा है ग्रुप नंबर 4 टू सेलेक्ट वन सब्जेक्ट और 100 मार्क्स, एक सब्जेक्ट चूज करना है और उसका भी 100 नंबर होना ज़रूरी है। मींस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया 100 नंबर इसका, और उसके बाद इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर इसका भी 100 नंबर है बेटे, और उसके बाद ब्रिटिश हिस्ट्री 100 नंबर है, यूरोपियन हिस्ट्री इसका भी 100 नंबर है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए इसका भी 100 नंबर है। ये हमारा ग्रुप नंबर 4 था। अब ग्रुप नंबर 5 देखिए आप, इसमें वो कहते हैं कि सिलेक्ट वन सब्जेक्ट 100 मार्क्स, एक सब्जेक्ट हमने चूज़ करना है जिसका 100 नंबर वाला हो। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले है जेंडर स्टडीज़ 100 नंबर है इसका, इन्वायरमेंटल साइंस इसका 100 नंबर है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इसका 100 नंबर है, बॉटनी 100 नंबर का है, जोलॉजी 100 नंबर का है, इंग्लिश लिटरेचर 100 नंबर है, और उसके बाद उर्दू लिटरेचर 100 नंबर के, ये 100 नंबर के सारे सब्जेक्ट हैं, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हमने चूज़ करना है। अब इसके बाद हमारा ग्रुप नंबर है 6, ग्रुप नंबर 6 में एक सब्जेक्ट हमने चूज़ करना है बेटे, उसका भी 100 मार्क्स होना ज़रूरी है, 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट, जिसमें सबसे पहले है लॉ, लॉ का 100 नंबर, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इसका भी 100 नंबर, तीसरे नंबर पे इंटरनेशनल लॉ 100 नंबर इसका भी, और उसके बाद मुस्लिम लॉ इसका 100 नंबर, और उसके बाद मर्केंटाइल लॉ इसका भी 100 नंबर है, और क्रिमिनोलॉजी 100 नंबर, फिलोसफी 100 नंबर। अब इसमें से कोई आपने एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, और उसके बाद देखा जाए कि सब्जेक्ट नंबर दूसरा ग्रुप नंबर 7 है, तो इसमें सब्जेक्ट एक चूज़ करना है और 100 नंबर का। अब देखिए जर्नलिज्म एंड मास्कॉम, मास कम्युनिकेशन 100 नंबर इसका, उसके बाद सोशियोलॉजी साइकोलॉजी 100 नंबर है, जियोलॉजी इसका भी 100 नंबर है, सोशियोलॉजी 100 नंबर का चूज़ करना है, उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी इसका भी 100 नंबर, पंजाबी है 100 नंबर का चूज़ कर सकते हैं, सिंधी है 100 नंबर का चूज़ कर सकते हैं, पश्तो 100 नंबर, बलोची इसका भी 100 नंबर, पर्शियन 100 नंबर और अरेबिक 100 नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की जो उनसे वीडियो जिसमें हम बात की, हमने लाजमी सब्जेक्ट का ये पोर्शन बात की, इसमें 6 सब्जेक्ट हैं, ये लाजमी है, ये हर स्टूडेंट ने पढ़ने, हर स्टूडेंट ने यही चूज़ करने हैं, और उसके बाद ये 7 आपके सामने ग्रुप्स रख दिए गए, और उनमें से हमने जितने जितने मार्क्स का सब्जेक्ट चूज़ करना था वो टोटली आपको इन्फॉर्मेशन इधर दे दी गई है। आप उनमें से किसी में 200 नंबर का आपने सब्जेक्ट चूज़ करना है और किसी में 100 नंबर का सब्जेक्ट आपने चूज़ करना है। ये क्राइटेरिया था CSS के सब्जेक्ट्स का, और CSS मुकाबले का इम्तहान है, उसमें जौन से ऑफिसर वगैरह, इससे पहले वाली जो वीडियो है बाकी तमाम की तमाम डिटेल उस वीडियो के अंदर हमने शेयर की है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और नीचे कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है, तो आप वहाँ से भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके CS के रिलेटेड जितनी कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म होगी होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।